दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत यात्रा से पहले एक तरफ जहां अहमदाबाद में झुग्गी बस्तियों के सामने दीवार खड़ी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा दौरे से पहले यमुना के पानी को साफ दिखाने के लिए बुलंदशहर की गगन नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है ताकि यमुना का जल स्तर बना रहे और वो साफ दिखाई दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिवसीय दौरे पर 23 फरवरी को भारत आ रहे हैं। 24 फरवरी को वो अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताज देखने जाएंगे। यमुना किनारे बने ताज को देखने के साथ ही वो यमुना किनारे का भी जायजा ले सकते हैं और ऐसे वक्त में यमुना का पानी साफ नजर आए, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने यमुना को स्वच्छ दिखाने के लिए बुलंदशहर के गगन नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है ताकि यमुना में पानी भरा रहे और वो साफ नजर आ सके। नदियों के लिए कैंपेनिंग करने वाले संयोजक ब्रिज खंडेलवाल का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ ताजमहल को देखेंगे, शहर को नहीं। जहां उनको जाना है उस जगह को सिर्फ प्रशासन साफ कर रही है। यमुना की वजह से ताजमहल की पहचान बनी और आज यमुना ही अपना अस्तित्व खोती जा रही है। सारे शहर की गंदगी यहाँ इकट्ठी हो रही है, जिसको हटाने के लिए कोई कारगर तरीका अपनाना चाहिए ताकि यमुना को खोने से बचाया जा सके। अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो शहर को नहीं देखेंगे। जिस एरिया में वो जाएंगे उसको तो टिप टॉप किया ही जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, लेकिन जो यमुना की अगर हालत वो देखें तो पहला सवाल उनके मन में यही आएगा कि ये नदी है या नाला है। वहीं शहर को चमकाने में जुटे नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। सड़कों पर स्क्रीन लगाई गई है ताकि उनका काफिला जहां से गुजरे लोग उनका स्वागत कर सकें। उसके पानी के लिए भी हरनौल स्केप से पानी छोड़ने की भी बात हुई है और पानी छोड़ भी दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि पीछे भी अच्छा दृश्य होगा। जाहिर है सरकार भारत की एक अलग तस्वीर ट्रंप को दिखाने के लिए कई प्रयास कर रही है, पर इन परेशानियों से दो चार हो रहे लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। गो न्यूज के लिए रुमान अलवी की रिपोर्ट।